सभी लोगों का नॉट गेम प्लेट की एकदम ब्रांड वीडियो के अंदर। आज हम लोग जाने वाले वापस से अपने कार फॉर सेल वामू शोरूम के अंदर। सो लेट्स गो। जिसने भी लाइक करा लाइक वाला बटन दबा दो, 100 के लाइक का गोल है। और जो भी नया प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल पे, सारे फ्रेंड्स का शेयर करना, 3 मिलियन होने वाले हैं, जल्दी से करवा दो। और चलो चलते हैं भाई शोरूम में और बता दो तुम आज क्या करने वाले। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने घर के अंदर एंड बिलीव मी, अरे यार कसम से रे, इन लोगों ने कुछ तो करा यार गेम के अंदर। पता नहीं कैसे अब कार्स थोड़ी सी ज्यादा बेटर लगती हैं। लास्ट टाइम मैंने जो खेला था उससे तो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। रुको जरा, हल्का सा अपनी GTR पे यार कपड़ा मारना तो बनता है ना, रियल लाइफ में ना हो बट गेम के अंदर ही सही, कपड़ा तो मारना बनता है यार दोस्तों। अच्छे से एकदम चमका के साफ करता हूँ, इसके तेल वाले वेल्व से हल्का सा तेल निकाल देता हूँ। अरे मेरी है, सॉरी, चोरी कहाँ कर रहा हूँ। चल चलो आज हम लोग एक बहुत ही ज्यादा मस्त चीज करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ से निकालते हैं। ये क्या कैमरा एंगल्स हैं यार इस गेम के भाई। चलो फटाक से चलते हैं। भाई आज हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं भाई, इस गेम के अंदर लिटरली इन लोगों ने ब्रेक्स की ऐसी की तैसी कर दी है भाई। अब ब्रेक नहीं लगता तो तुम्हें बार बार जैसे रियल लाइफ में तुम्हें बार बार एक्सीलेटर छोड़। देख बत्तीसी उड़ा दूंगा मैं तेरी, एक रेस करेंगे उसके बाद तेरी गाड़ी मेरी। आ जा भाई। भाई साहब क्या किस्मत यार, हम लोग जस्ट आए और हम लोगों को एक निसान सीसी और मिल गई है भाई साहब, लेट्स गो। आ जा बेटे, आ जा भाई। ये क्या किस्मत थी यार, हम लोग जस्ट भाई डे करके आए हैं निकल के वहाँ से और यहाँ पे सीधा निसान GTR। भाई थोड़ा ढंग से, ठीक है, थोड़ा सा सीरियस हो जा, आजू रेसिंग मोड में आ जा अपने। अब देखो F1 रेसर अंशु दिखेगा तुम्हें। रेडी भाई, मैं भूल चुका हूँ, मैं मजाक में बहुत टाइम बाद खेल रहा हूँ भाई। मैं भाई अभी हो गई थी गलती। अरे भाई साहब, भाई तुम लोगों ने देखा ना, मैंने जंप स्टार्ट किया क्या? नहीं ना यार, मना कर दे, झूठ कह दो, ये झूठ है, प्लीज कह दो ये झूठ है, प्लीज भाई प्लीज, हाथ जोड़ लो मैं तुम्हारे यार, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ो दोस्त, प्लीज प्लीज बोल दे झूठ है, प्लीज भाई भाई प्लीज बोल दे झूठ है, एटलीस्ट मेरे को मेरी गाड़ी है। तो मैं रेस हार गया बट मेरी GTR अभी भी यहीं खड़ी है और वो बंदा अपनी GTR भी दे के चले गया मुझे। बिजनेस बिजनेस
बिजनेस बिजनेस दोस्तों, मेरे को जनरली नहीं पता क्या हुआ है अभी। रुको पहले मैं ये वाली गाड़ी को टो करवा, अरे कार पैनल नहीं इस वाली का, अरे नहीं नहीं एंटर नहीं सर, अरे एंटर कैसे हो रहा है? अच्छा ओके, राइट साइड से होती है ना। सुनो भाई, इस गाड़ी को मैं टो करवा रहा हूँ, और इससे पहले कि इसका मालिक आए वापस से। भाई ये कैसे काम हुआ मेरे को नहीं पता। गाइज अगर तुम लोगों को पता ये कैसे काम कर रहा है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, क्या ये कोई ग्लिच था? भाई तुम्हें पता है मैं ग्लिच एक्सप्लॉइट नहीं करता, पर गलती से हो जाते तो भी मेरी गलती है ना, मतलब मेरी गलती थोड़ी ना। अरे नहीं यार भाई, इसलिए कहते हैं ओपन रोड में कभी भी ड्रिफ्टिंग मत प्रैक्टिस करो। देर इज नो वे ब्रो, मैं हारा हूं, गारंटीड हारा हूं मैं, मेरे को भी पता है मैं हारा हूं। पर मुझे ये गाड़ी मिल चुकी है फ्री में हारने के बाद। मैं हारा, ठीक है, मैं हार हार, मैं हार हार दिलदारा, हारा रे मैं हार हार दिलदारा दार, मैं हारा बामू। भाई इसमें व्हील अच्छे वाले लगवा देता हूँ यार, पता नहीं इतनी चीप व्हील्स क्यों लगा रखे भाई ने, गंदे लग रहे हैं भाई। भाई चलो गाइस, तो या हारने के बाद पहली बार मेरे को, जेन्युइनली बता रहा हूँ भाई, इतनी ज़्यादा खुशी हुई है मेरे को नहीं पता। मैं तो भाई गेम तोड़ने को, मैं अपने मॉनिटर तोड़ने के लिए तैयार था कि मेरी निसान GTR चलेगी। मैं बहुत टाइम बाद खेल रहा था तो मेरे को समझ में नहीं आया, वो मैंने जंप स्टार्ट लिया है, जो भी लिया, जो नहीं लिया मैंने एक्चुअली, सॉरी जंप स्टार्ट। तो भाई मेरे को नहीं पता हुआ क्या वहाँ पे, बट जो भी हुआ वो कहते ना कि भगवान यार जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, तो वो अच्छे के लिए हुआ जो भी हुआ। एंड हेयर वी आर, एक बहुत ही बढ़िया GTR हमारे सामने है गाइस यहाँ पे, जिसको हम लोग लाल कलर करने वाले, क्योंकि अपने पास लाल कलर की कोई भी GTR नहीं है, इसको एकदम चमका देते सबसे पहले हम लोग। या गाइस यार मेरा क्या है ना, मैंने पता है क्या करा, मैं बताता हूँ। वो तुम्हें लगा होगा कि एक्चुअल में मैं रेस हार गया हूँ, बट उसका कॉन्क्लूजन क्या निकला था अब मैं तुम्हें सच बता देता हूँ, क्योंकि फिर तुम लोगों से क्या ही छुपाना, राइट? अपनी ऑडियंस से कोई क्या ही छुपाए ना, तो इसलिए मैं तुम्हें सच बता देता हूँ। मैं एक्चुअली हूँ फ्यूचर से, वो जो गाड़ी मेरी आगे निकली और फिर पीछे आई ना, उतनी देर में मैंने पूरा का पूरा रेस ट्रैक नाप दिया था, तो वो बस तुम लोगों को दिखाने, क्योंकि नेकेड आइस से ना वो दिखता नहीं है, वो जो नेकेड आई है ना, नेकेड आई से वो चीज़ दिखती नहीं है, तो इसलिए तुम लोगों को वो दिखी नहीं, जैसे मुझे नहीं दिख रहा है अभी कहाँ जा रहा हूँ मैं, बट यस, तो वो तुम्हें नेकेड आई से दिखी नहीं, यही दिक्कत हुई बस। वरना मैं रेस जीत गया था, ऐसा कुछ नहीं कि हमने कोई ग्लिच करा है या फिर कुछ करा है। तो या गाइस, पूरी शिद्दत से प्यार से हम ये कार जीते, जो ये रेड कलर की निसान GTR, तो भाई क्या हुआ वो मेरे को नहीं पता, भाई मेरे को नहीं पता क्या हुआ, ठीक है ना, जीत गए भाई हम। तुम लोग खुश हो कि नहीं हो भाई, कि भाई के भाई एक और GTR आ गया अब अपने पास, हो चुके 1 2 3 4 5 6, भैया क्या हुआ, 6 GTR इन टोटल हमारे पास हो चुके, ऊपर और तो नहीं ना, 6 GTR है हमारे शोरूम में, 6 GTR, एक शोरूम दिखा दो इसमें 6 GTR हो भाई साहब, मजा, एक मिनट, हाँ 6 GTR टोटल में भाई साहब, मजे ही आ गए भाई। ऑक्शन ओपन सेट 3 PM, हम लोग देख तो सकते नहीं है तो अंदर ही रहते हैं। अब हम लोग एक चीज़ और करेंगे भाई, जितनी भी ये दूसरी तुम लोगों को ये दिख रही है ना ODR8, ये सारी ODR8 निकालेंगे, इन तीनों को छोड़ के, क्योंकि ये तीन भाई सीधी सी बात है यार इंडिया का फ्लैग बना रही है, हम लोगों को ये गाड़ियाँ चाहिए इंडिया के फ्लैग वाली। और हम लोग ODR8 क्यों निकालने वाले वो मैं तुम लोगों को जस्ट बताने वाला हूँ। यार इनकी फ़ोटोज़ नहीं है मेरे पास, रुको जरा एक बार ना कैमरा निकाल के ना इन सबकी फ़ोटोज़ खींच लेता हूँ, साइड प्रोफाइल में खींची, ये तो काली काली काली, इसकी खींच लेता हूँ, एक वाइट वाली अलग से दिखेगी, ठीक है, देयर वी गो। और इसको हम लोग लगा देते हैं सारे के सारे, अभी हम लोगों की लैम्बोर्गिनी कुंटाज लगा दी थी गलती से, कार फॉर सेल, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ भाई, बहुत अच्छा दिन जा रहा है आज, इसको ऐसे ही रखने की ट्राई करते हैं। लैम्बोर्गिनी ऑडी, ऑडी में ब्लैक ऑडी, तुमको पता है हम क्या चिपकाएंगे लोगों को, ग्रेट कार, 694,000, ठीक है। उसके बाद एक ये वाली ODR8 भी ब्लैक कलर में, ये ऑलमोस्ट, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 763,000, ये वाली वाइट में, तो ये वाइट ODR8 के पीछे से फोटो खींची थी हमने, देयर वी गो, ये नहीं है भाई ये। उसके बाद इसमें भी ग्रेट कार लिख के 794, ओके नाइस, पैसा तो आने वाला है भाई आज। ये हो गया, फिर एक और काली ODR8 है, लगा देंगे जी, लगा देंगे 935, ये हुई ना बात, 935K, ठीक है, 935K, पुट इट ऑन सेल, सारी की सारी ODR8 हम लोगों ने सेल पे लगा दी है, ठीक है। ये वाली लैम्बोर्गिनी कुंटाज भी निकाल देते मैं तो बोलता हूँ, ठीक है,
V1L ना, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा ये कौन सी वाली है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है गाइस, अभी बदल जाएगा वैसे, यही लग रही है मुझे तो। लैम्बोर्गिनी लैम्बोर्गिनी ये वाली फ़ोटो लगाते हैं, ग्रेट कार 810 भाई साहब, ऑलमोस्ट क्या, कई बहुत सारी उससे ज़्यादा महंगी बिक रही है ऑडी R8 से। ठीक है, अब तुम लोग सोच रहे हो कि मैं ये सारी सारी सेल पे क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि आज मैं आया हूँ कार फॉर सेल में कैसे भी, एंड कैसे भी से मेरा मतलब है कैसे भी हम लोगों को आज पाँच निसान ओके कैसे भी से मेरा मतलब है कैसे भी आज हम लोगों को भाई पांच टोयोटा सुपरा MK5 तो जमा करनी है, मतलब जमा करनी है ब्रो। इसीलिए मैं पांच गाड़ियां बेच रहा हूँ ताकि हमारे शोरूम में पांच गाड़ियों की जगह दोबारा से बन पाए, और आज हम लोगों को कैसे भी ये जमा करनी है। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। पहली बात तो ये कि जब पिछला वाला, अरे वहाँ स्टार्ट हो गया भाई, अभी GTR निकालो भाई। मैं तुम लोगों को बताता हूँ पहले क्या होता था, पहले गेम में ये सारी गाड़ियाँ लेना वो सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान था, सच्ची बता रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ही आसान था। ठीक है, बट अभी रिसेंटली तुम लोगों को पता है कि इतने सारे अपडेट्स आए हैं और ये सारी गाड़ियाँ थोड़ी सी रेयर हो गई हैं, खास करके भाई अपनी जो दो गाड़ियाँ हम लोगों को आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं मिली है, जो कि हमारी सॉरी डॉज वाइपर हम लोगों को मिल चुकी है, ला फरारी एक लास्ट गाड़ी हमारे शोरूम में बचती है जो कि ला फरारी है। एक बार वो मिल गई ना तो हम लोगों का पूरा कलेक्शन बन जाएगा। अभी आ रखे मर्सिडीज कूप, ये भी नहीं चाहिए हम लोगों को, हटाओ 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 इसको भाई। हम लोग कैसे भी आज पाँच सुपर MK5 जमा करनी है, अब हम कैसे करेंगे वो देखने वाली बात है। बट हाँ सही है, हम लोगों ने पाँच गाड़ियाँ बेचने के लगा दी हैं, अपने पास पड़े हुए हैं जैसे तुम लोग देख सकते हो 38541 मतलब 38,54,000 के आसपास है। हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम लोग कैसे भी इसको क्या कहते हैं 40 मिलियन के नीचे नहीं आने देंगे। थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, पिछली बार मैंने बहुत सारी गाड़ियां खरीदी जैसे ऑडी R8 इतनी सारी, तो हम लोगों को उनको सीधी सी बात है सेल करना पड़ेगा। बट भाई क्या किस्मत चली है यार, हम लोग जेन्युइनली वो रेस हारे फिर भी मेरे को एक निशान GTR मिली है। तुम समझ रहे हो मतलब मेरा निशान GTR के लिए प्यार देख रहे हो तुम लोग, गेम ने खुद बोल दिया भाई कि नहीं यार इसका प्यार देख के ना मुझे लगा है कि इसी को देता हूँ। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा इंडिया में जो कहे कि यार ये ले यार एक दिन के लिए तो मेरी GTR ले ले यार, तेरे को इतनी ज़्यादा पसंद है ले यार एक दिन के लिए मेरी GTR तेरी यार, ये ले चार ये ले ये ले ये ले ऐसे ले। कोई है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन Instagram। नहीं ये ऐसा नहीं मतलब जो मैंने करा वो नहीं, मतलब सॉरी यार सॉरी भाई सॉरी। अरे जल्दी खरीदो ना भाई, लास्ट गाड़ी दिखाओ यार, किसको पता हमारी किस्मत में आज। चलो अभी के लिए ऐसे निकलते हैं, जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया भाई हम लोग आज कैसे भी पांच सुपरास जमा करनी है, पांच एक दो तीन नहीं पांच सुपरा। हम लोग को पास वैसे एक है बट हम लोग उसको काउंट नहीं करेंगे, कहाँ हमारी सुपरा वो रही, देखो ब्लू कलर की कितनी कूल लग रही है। बट यस हमारे पास ऑलरेडी एक सुपरा है बट हम लोग उसको अभी के लिए काउंट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि सीधी सी बात है कि वो हमारे पास ऑलरेडी है तो वो चैलेंज क्या होगा फिर पांच सुपरा राइट। हम लोग सबसे पहले एक मस्त चीज़ करेंगे जो कि होगी इधर से होते हुए जाते एक बार, हम लोग सो तो सकते हैं ना, हाँ पाँच बज चुके शाम के, सो तो सकते हैं। चलो काश मैं रियल लाइफ में पाँच बजे सो पाता अपनी ज़िंदगी में भाई। भाई तुम सोचो मेरी बात सुनो, नहीं मेरी बात सुनो एक बार, तुम सोचो तुम इस घर में रहते हो और तुम्हारी एक खिड़की से तुम यहाँ पे बैठ के टीवी देख रहे हो, ठीक है लॉबी में तुम टीवी देख रहे हो यहाँ बैठ के, और तुम्हारी खिड़की से एक निशान GTR अंदर शिट भाई मेरे को नहीं पता वो कैसे काम किया, मैं इतना ऊपर कैसे उड़ा, बट ठीक है। अब देखो सबसे मस्त बात ये है कि पहली बात तो ये कि हम फाइनली नेबरहुड में आ चुके हैं, जहाँ पर भाई अगर तुम्हें पता नहीं है तो सुपरा और मस्टैंग और डॉज चैलेंजर ये तीन गाड़ियाँ बड़ी इजीली मिल जाती है पहले, ठीक है इसमें नेबरहुड में, बट अब नहीं मिलती हैं, मतलब इजीली भी नहीं बोलूँगा बट हाँ मिल जाती है एटलीस्ट, ठीक है कभी कभार किस्मत रही तो। बट वही वाली चीज़ है कि अब भी जैसे कि हम लोगों को चाहिए तो अब नहीं मिलेगी वो, जिस समय नहीं चाहिए होगी ना उस समय ऐसे खुले में चार सुपरा लाइन से बेच रहे होंगे लोग अपनी। चलो 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 भाई हम लोगों को हो सकता है वैसे सुपरा मिले, बट वही है जैसे कि तुम्हें बताया मैंने भाई अगर हम लोग अभी लेने निकले हैं तो आज नहीं मिलेगी, ठीक है, और जिस समय चाहिए होगी उस समय पे जिस समय नहीं चाहिए होगी उस समय 5-10 लाइन से खड़े होंगे सारे, सबके पास सुपरा आ गई होगी इस दिन, सबके पास एक के पास भी नहीं। बट वही वाली चीज़ है कि जब से अपडेट्स आए ना ये सारी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा रेयर हो गई, जैसे तुम लोग खुद भी अगर खेलते हो बाई चांस या फिर तुम लोग मेरे को भी देखते हो जिस समय तो तुम देखते हो अब कितनी कम दिखती है सुपरास भाई। यार इतना तो नहीं यार, ये ब्रेक तो लगा दिए थे मैंने यार, इतना तो नहीं यार, ये तो कुछ ज़्यादा ही आगे नहीं चलेगी और कम हो रहा है कहने को, कार मार्केट भी नहीं खुल रही है। कार मार्केट में एक बारी को कन्फर्म है कि एक सुपरा तो मिल ही जाती है, बट आज कार मार्केट भी नहीं खुलेगी, ऑक्शन पे ऑक्शन खुल रहे हैं देख रहे हो, बट वही ऑक्शन में भी मिल सकती है, थोड़ी सी आंखें खोल के चलते हैं ठीक है। सॉरी 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 गाड़ी यस लेट्स गो गाइस, हम लोगों के चैलेंज की सबसे पहली सुपरा हम लोगों को मिल चुकी है भाई। लाओ यार सुपरा दिलाओ, जरा लाओ सुपरा
भाई यार 59,000 डॉलर की तो नहीं है सुपरा, पहली बात तो ये, ठीक है 49 चाहिए तो मेरे से, ओए क्या कर रहा, 49,000 डॉलर में दे रहे तो, एक्चुअली मैंने फिर भी महंगी खरीद ली फिर, ठीक है हम लोग की ये सुपरा थोड़ी सी टूटी टाटी है तो हम लोग इसको डायरेक्टली रिपेयर में भेजेंगे। भाई पांच सुपरा ले रहे हैं, पांचों को एकदम चकाचक बना के रखेंगे अपने पास, ठीक है चकाचक एकदम मज़ा आ जाए मतलब लेने वाले को ना। तो इधर को चलते हैं थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं यार, पता है क्या ड्रिफ्ट वाली कार को चलाने में मज़ा तो बहुत ज़्यादा आता है, मतलब जैसे ये तो ड्रैग है ठीक है, ये तो रेस वाली है, रेस फिट है इसमें, बट ड्रिफ्ट फिट में जो मज़ा है ना भाई, इधर उधर रपटती हुई गाड़ी चलाना बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल। बट अभी के लिए कोई भी दूसरी गाड़ी मेरे को यहाँ दिख नहीं रही है, तो यहाँ से निकलते हैं सीधा, अभी चलते हैं इस साइड को ही पड़ता है ना वहाँ, तो चलो अभी चलते हैं सीधे कहाँ पे, जहाँ पे होती है रेसेस। भाई अगर अपनी किस्मत अच्छी हुई तो हम लोगों को यहाँ पर एक सुपरा दिख जाएगी, पर एज़ यूजुअल अपनी किस्मत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है तो हम लोग को यहाँ सुपरा नहीं, भाई मैं नहीं बोलूँगा भाई किस्मत अच्छी है नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि तुम्हें ही पता है और मुझे ही पता है हम लोग ये जो गाड़ी चला रहे हैं कायदे से चलानी नहीं चाहिए हमने, ये गाड़ी हमारी चली गई थी ठीक है, फिर भी हम लोगों को चलाने को मिल रही है बहुत बड़ी बात है। और अभी के लिए मैं इसको अंदर ही रख रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को पांच सुपरा जमा करनी है, तो एक सुपरा तो हमारे पास आ चुकी है उसी को हम लोग अभी के लिए चलाएंगे ठीक है। इसको मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर जहाँ मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, लिटरली कुछ नहीं दिख रहा है ठीक है। अब देखो भाई अब तुम मेरी रिवर्सिंग स्किल्स देखो, देखो पहले यहाँ लाओ ठीक है, फिर धीरे धीरे करके बैक लो बैक लो बैक लो बैक लो, फुल काट दो फुल काट दो, बस ये देखो देख रहे हो क्या लगाई है गाड़ी, मानते हो नहीं मानते हो तुम भाई को यार, हल्के में ले रहे हो क्या, अबे कहाँ है अबे भाई, मुझे मेरे शोरूम से बाहर निकाल दिया वो भी गाड़ी से उतर के। दिस बिहेवियर विल नॉट बी टॉलरेटेड माई फ्रेंड, नो। चलो अभी के लिए हम लोग शोरूम ऑन कर देते क्योंकि हम लोगों ने गाड़ियां सेल पे लगा दिया, बट एक भी बंदे को मतलब शोरूम ऑन नहीं कर रहा था, तो अभी के लिए ये चीज़ सही होगी, अपनी पांच गाड़ियां सेल पे लगी हुई हैं, जितने में ये पांच गाड़ियां जाएंगी अपनी नई पांच गाड़ी आ जाएंगी। अरे भाई सब लोग आना शुरू हो गए भाई, मैं बता रहा हूँ तुम्हें यार, जिस टाउन में मेरी ये वामू शोरूम है ना भाई, ये लेजेंड भाई सबसे ज़्यादा रईसों की जगह पे है भाई, गाड़ी लगाओ $1 million की भाई, बंदे दौड़ते हुए आ जाते दौड़ते हुए। पहले तो इसे रिपेयर करवाते हैं इसको ठीक है, थोड़ी सी कलर वलर करवाते हैं और इसमें ना इसमें ड्रिफ्ट फिट लगाते हैं ठीक है, सुपरा में मज़ा आएगा भाई, ये वाली सुपरा में ड्रिफ्ट फिट लगाएंगे, हर जगह पे जाएंगे गड़गड़ गड़गड़ गड़। तो मेरे को एक और ट्रिक पता है जैसे यहाँ पर ना एक सेव वो है देख रहे हो, इनविजिबल बैरियर है कि तुम वहाँ नहीं जा सकते, बट मुझे एक ट्रिक पता है जहाँ पर मैं वहाँ जा सकता हूँ, बट दिक्कत ये है कि वापस नहीं आ सकते ठीक है, वापस आने में दिक्कत है तो इसलिए नहीं जाता हूँ मैं ठीक है। अगर तुम लोगों को ट्रिक देखनी होगी तो कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को ठीक है, और लाइक नहीं करा है तो लाइक करो, 100 के लाइक देखने हैं भाई ने। एंड यस अगर आप लोग नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा ही देना, इसी बात पे कर दोगे तो अच्छा ही लगेगा भाई, 3 million हो जाएंगे भाई के। चलो फटाक से हम लोग देखते हैं, पहले तो पॉलिश फुल कर देते हैं, ये कर देते हैं और उसके बाद हम लोग अपनी सुपरा को बनाएंगे वाइट सुपरा ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे लोग जज करेंगे कि भाई वाइट क्यों बना रहे हो वाइट क्यों बना रहे हो, बट सुपरा वाइट में जेन्युइनली बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, ये तो खैर मेटेलिक कलर हो गया बाहर जाके वाइट लगेगा, बट सुपरा पता नहीं कैसे यार वाइट में बहुत प्यारी लगती है। तुम लोग बताओ कमेंट सेक्शन में अगर तुम लोगों को सुपरा को वाइट में देखने में मज़ा नहीं आता, मतलब पर्सनल है सीधी सी बात है भाई, किसी को मज़ा आता होगा किसी को नहीं आता होगा, बट मुझे बहुत आता है। चलो इसको लगा देते हैं यहाँ पे और अब इसमें लगाएंगे लोग ड्रिफ्ट के TCS सस्पेंशन, इसके थोड़े से गिरा देंगे वैसे, तो कायदे ड्रिफ्ट फिट में गिरा देंगे, बट ठीक है कोई बात नहीं ना इतना तो चलता है। रेड लाइट, इसमें वामू की नंबर प्लेट ना हो तो फिर गाड़ी कैसी भाई, ये हो गया। और व्हील्स बहुत ही गंदे लगाए जिसने भी लगाए भाई, ये लगाएंगे ये ज़्यादा नीचे हो गए ना, रुको इसके सस्पेंशन उठा दूँ, टायर को तो नहीं चीरना चाहिए ना एटलीस्ट, बस ये देखो एग्जैक्टली टायर पे लाएंगे हम लोग, ये देखो ये एक बम्प आया और गाड़ी पूरी खत्म। अब आओ ना भाई, अब आएगा इस सुपरा को चलाने में मजा, देखो रेडी। अभी के लिए हम लोग यहाँ से निकलते हैं, हम लोगों को 1 बजे के ऑक्शन के लिए रुकना है ठीक है, 1 बजे का ऑक्शन है, ऑलमोस्ट 1 बज चुके हैं, 12 बज चुके हैं कायदे से, बट यू नेवर नो भाई। भाई निकाल दी थी मैंने गाड़ी, पता तुम लोगों को, ये बदतमीजी करी गेम ने मेरे साथ। अरे भाई साहब ग्रीन आग निकाल ली है सुपरा, व्हाट भाई यार, देख रहे हो ड्रिफ्टिंग देख रहे हो सुपरा की, ओ भाई साहब न्यू रिकॉर्ड, 10 सेकंड, कैन वी गो 10 सेकंड, नहीं यार सीधी हो गई भाई, डोनेट पे डोनेट मारता ना यार दस, भाई मेरे को बताना गाइस मैंने ध्यान नहीं दिया, प्लीज मेरे को बताना कितने सेकंड का रिकॉर्ड बनाया मैंने अभी। भाई बहुत गजब की ड्रिफ्ट मारी है मैंने, इतना पता है मुझे बस इतना पता है कि बहुत क्रेजी ड्रिफ्ट पड़ी है भाई, बहुत ज़्यादा क्रेजी,
भाई मेरे को बता रहा कितने सेकंड का रिकॉर्ड बनाया मैंने अभी अभी भाई। शिट ब्रो, उसी से नया रिकॉर्ड ही बना दिया, मजा आ गया भाई। 694 की मैंने लगाई थी। मैडम आप एक काम करो, 524 बोल रहे हो, मैंने कितने में खरीदी थी यार? इतना तो मैडम मैंने नहीं खरीदी ना, मैं आपको इतना थोड़ा बार्गेन करके दे सकता हूँ। एक काम करो, सुनो, आप ना मुझे क्यूट लग रहे हो, तो आप एक काम करो, 620,000 में आपकी होगी गाड़ी। मैडम हाथ पर रख दूंगा चाबी, नहीं ले पा रहे हो तो आप बढ़वा दो। ओए एक तो नहीं बजने वाले ना भाई, वहाँ ऑक्शन शुरू हो जाएगा, और अगर मेरे हाथ से एक सुपरा निकल गई और मेरा ये भाई जल्दी नहीं हो पाया चैलेंज, तो मेरे को बहुत बुरा लगेगा। 548 कर रहे हो 690 में। सर आप एक काम करो, सुनो, आपको ना मैं और तगड़ा डिस्काउंट दे रहा हूँ, आप इसको 619900 में ले लो। उसको मैंने $10 कम करके दिए, बस $10 भाई खुश। क्या होता है ना यार, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है, पता है। मैं भी अगर दुकान में जाता हूँ ना और चीज़ 1,00,000 की है, लेकिन अगर बंदा बोल दे मैं सर आपको यार 1,000 रुपये का डिस्काउंट दे दूंगा, 99 में ले जाओ, छोड़ो यार क्या करना है भाई, जेन्युइनली मैं खुश हो जाऊंगा और फिर मैं लूंगा ही लूंगू। सुपरा है क्या? नहीं, ओके ओके, BMW है वो, टूरिंग है, M3 टूरिंग आई गेस, नॉट श्योर, पक्का नहीं है, बट M3 टूरिंग लग रही है। चलो देखते हैं लास्ट गाड़ी, अगर गलती से ला फरारी आ गई ना भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं भाई नंगा हो जाऊँगा यहाँ पे, बट नहीं आएगी, ठीक है चलो। बच गया। चलो फटाक से चलते हैं भाई, अब हम लोग सीधे सोने के लिए, ठीक है। हमारी गाड़ियाँ वैसे बिक तो रही है धड़ाधड़, बट वही है ना फिर यार, अब भी देखो भाई कसम से यार, ड्रिफ्ट किट चलाने में अलग ही मजा। नहीं, बस ये आउट ऑफ कंट्रोल भी बड़ी ईजीली हो जाती है ना, पर फिर वही यार, तुम्हारे भाई के हाथ का कंट्रोल तो तुमने देखा ही है, अब कोई याद नहीं करेगा बस कि कैसे थोड़ी देर पहले मैंने बहुत ही गंदी ठोकी थी गाड़ी। तुम ये देखो यार, तुम ये देखो, तुम्हें मजा नहीं आया, ये देखो, ये देख लो, हर एक कॉर्नर पे ड्रिफ्टिंग दिखाऊं, ये देखो, रेडी। अबे यार ये गाड़ियां डाल देते ना यार, हल्का सा ट्रेडिंग पेंट तो चलता है। नहीं भाई, एक टाइम पे यहाँ रहते थे हम। भाई ये मैंने करके करा, तुमने देखा लास्ट में कैसे वो डोनट जैसा पड़ा? हाँ वही कर रहा था मैं। अरे मैं पीछे छोड़ा है क्या घर? भाई मैं घर पीछे छोड़ा है क्या? अरे यार मैं फ्यूल खत्म होने वाला है। जी जी बॉयज, जी जी, गाड़ी डेड, पेट्रोल खत्म हो गया भाई, ड्रिफ्ट मारते हुए खत्म करूँगा पेट्रोल। चलो इसमें पहले पेट्रोल डला लेते। टार्जन द वंडर कार। हाँ मैं पीछे छोड़ा था, मेरे को लग ही रहा था यार ये कैसे हो गया कि हमारा ये आ गया, कंटेनर आ गया भाई, कंटेनर आ गया, घर नहीं आया, ऐसे कैसे हो सकता है भाई। हाँ देखो ड्रिफ्ट किट वाले में ना ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मैनुअल गेयर बॉक्स लगा देते हैं, जहाँ तक मुझे पता है, सही बताऊँ तो। वैसे कायदे से मैंने वही नहीं सोचाना चाहिए था अपने उसमें, क्योंकि इतना अंदर तक का आऊँगा घर तक का, बट ठीक है, हम लोगों को नेबरहुड भी चेक करना ही। भाई क्या पटाखे बजाती है सुपरा यार, शिट ब्रो। खैर मैं इसको स्टॉक नहीं बोल सकता, ये तो पूरी वो है, मॉडेड है पूरी की पूरी, बट यस मेरे को जहाँ तक लगता है ये लोग ड्रिफ्ट में मतलब करना ही पड़ता है, लेकिन ये लोग मैनुअल वो लगाते हैं गियर शिफ्टर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समझ रहे हो ना उसको, तुम ड्रिफ्ट कर पाओ बार बार क्लच दबा के, क्योंकि आप मतलब मेरे को इतना आइडिया नहीं है, मैंने कभी ड्रिफ्टिंग करी नहीं है, बट मेरा मन बहुत है सीखने का, बट जहाँ तक मुझे पता है लाइक थोड़ा सा ईजी होता होगा, ईजी मतलब डूएबल होता है, ईजी तो नहीं होता कुछ भी, बट डूएबल होता होगा मेरे हिसाब से थोड़ा सा। जैसे मोड़ों पे क्लच दबा दिया पहले, फिर एकदम से रेस दे दी, तो तुम्हारे टायर स्किट करेंगे, समझ रहे हो, ऐसे निकलने से पहले, मतलब पता नहीं, थोड़ा बहुत जो मेरे को लगता है जितना मैंने गाड़ी चलाई उसके हिसाब से। खैर मैं कोई ड्रिफ्टिंग एक्सपर्ट तो नहीं हूँ भाई, कहीं मेरे को यार भाई नेबरहुड में आने का कोई मतलब है इस नेबरहुड का? मैं नेबरहुड में एक भी सुपरा नहीं दिखी अभी तक मुझे यार, मैं देख रहा हूँ मेरा शोरूम जैसी जगह पे है ना, पॉर्श जगह पे, वैसे मेरा नेबरहुड नहीं लग रहा मुझे, नेबरहुड में लोगों के पास यार पॉर्शा नहीं है, मतलब पॉर्शा कह रहा हूँ ये नहीं है। अरे अरे यार ट्रेडिंग पेंट कर गया भाई, प्लीज बोल दो एक सुपरा दिख रही है, नहीं इतनी गंदी गाड़ी लेके आए हुए ना भाई गॉड। चलो 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 आगे, हम आगे। अब देखो आज कार मार्केट ओपन है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपनी सुपरा को लगाएंगे यहाँ पर, रुको यहाँ नहीं, अंदर लगाता हूँ, भैया मस्त धो धा के दे देंगे। अरे इतने सारे मेरे कस्टमर जा रहे हैं यार, रुको
यहाँ लगा देता हूँ इसको, भैया मस्त क्लीन कर देंगे उतनी देर में हम लोग। एक बार पहले ना जाके कस्टमर से सामान बेच लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने पास $39 million हो चुके हैं। हम लोग कैसे भी इसको आज वो तो करना ही है, 40 के आसपास तो लेके आना है कैसे भी। सबसे पहले तो ये मैडम का दिमाग क्या ख़राब होगा मुझे नहीं पता, बट मैं इनको ट्राई करता हूँ 60 62 90 में बेचने की। ओ भाई साहब, ये तो मेरे साथ हैसल कर गई भाई, मैंने इसको बहुत सस्ती बेच दी क्या? नहीं ना, हाँ मेरे को लगा बहुत ही ज़्यादा सस्ती बेच दी, 794 में लगाई हुई है। ये मैडम बोल रही है ये लेंगी 69, ये है ना बंदी यार, 7290 ले लोगी प्लीज़, थैंक यू। अब मुझे नहीं पता ये कैसे हो रहा है, बट ये बंदे एक ही बारी में गाड़ी खरीद ले रहे हैं भाई, टू मच फन भाई, कोई हैसल नहीं, कोई कुछ नहीं भाई, मजे ही मजे। 646 सॉरी, मैंने लगाया 8 लाख का प्राइस, ये बेच रहा है 646 में, नॉट बैड, 72990। ओए क्या कर रहा, अभी हो गया था काम, लेट्स गो भाई, $100 का डिस्काउंट तो खुश हो जाते बच्चे। चलो 935 की, ये मेरी सबसे ज़्यादा महंगी गाड़ी है और इसको मैं महंगे में ही निकालना चाहूँगा, तो ये 648 वालों को मैं एंटरटेन भी नहीं करूँगा, जेन्युइन लिब्रो, ये सबसे महंगी गाड़ी, मैं इसको जितना महंगा हो सकता है तो महंगा निकालूँगा, एटलीस्ट $8.5 लाख तो मैं समझ के चल रहा हूँ, ठीक है, तो इसको हम लोग इतने में निकालेंगे एटलीस्ट, ठीक है, ट्राई करते हैं, देखते हैं, अगर मान गए तो मजा। भाई साहब कैसे हो रहा है ये आज, तो मतलब मैं इनको 1 मिलियन में भी भेज देता तो ये ले लेते भाई, मैंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली यहाँ पे भाई, इन बंदों को मैंने जो प्राइस कोट किया उसमें खरीद लिया इनने भाई, ऐसे कैसे बंदे हैं ये। अरे भाई बार्गेनिंग करो थोड़ा थोड़ा, मुझे शर्म आए तुम्हें गाड़ी बेचने में भाई, कुछ होना चाहिए ना, मतलब यार दो बंदों के बीच में थोड़ी सी रफ एंड टफ बातें होनी चाहिए, हट यार। चलो गाड़ी तो मस्त करके हम लोगों ने क्लीन कर दिया, बट अभी भी हम लोगों के पास बहुत सारे टाइम है, क्योंकि सीसी बात है नए अपडेट में तुम लोग 12 बजे, अरे यार रुको जरा, मेरी GTR गंदी करके रखी हुई है इन लोगों ने, बताओ इन्हें अभी, हैं आऊं मैं अपनी पे। वो तो भैया बढ़िया है, इन्हें बहुत टाइम से मेरे वहाँ काम कर रहे हैं इसलिए मैं इनसे कुछ बोलता नहीं हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरी GTR, देखो कहाँ है भैया, कहाँ है भैया, हाँ देखो समझ गए, देख रहे हो तुम लोग कितने समझदार हैं, खुद ही आ गए यहाँ पे। भैया कुछ भी हो GTR पहले क्लीन दिखनी चाहिए मेरे को पूरे शोरूम में, हाँ पूरी की पूरी, कुछ साफ हो ना हो GTR सबसे क्लीन चाहिए मुझे, सबसे क्लीन। चलो अभी ओई क्या कर रहा हूँ मैं, ओ भाई अभी मैं जाके डे रीसेट कर देता, पता तुम लोगों को, हम लोग चलते हैं कंटेनर, अरे यार कंटेनर थोड़ी ना, बस पकड़ते हैं और हम लोग चलते हैं कार मार्केट की तरफ को। अब देखो तुम लोग सोचोगे बस क्यों भैया, आपके पास तो सुपरा थी भाई, अगर मैं कार मार्केट में सुपरा लेके जाऊँगा तो इन लोगों को लगेगा ना कि मैं बहुत रिच स्पॉइल्ड ब्रैट हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा गाड़ी लेके तो ये मुझे हर एक गाड़ी महंगी में बेचेंगे, बट यहाँ पे मैं पैदल आऊँगा तो उनको लगेगा अरे यार ये कौन आ गया भिखारी टाइप आदमी, छी हट हट। फिर उससे मैं बार्गेन करूँगा तो वो कोशिश करेगा कि चल यार इसको देख के ही लग रहा है कि ये नहीं ले पाएगा, तो इसको थोड़ा कर देते, और उतने में हम लोग उसकी गाड़ी खरीद लेंगे और गाड़ी कूड़े के भाव बेच देंगे हम। बट हम लोगों को अभी 5 सुपरा जमा करनी, जिसमें सिर्फ एक ही जमा हुई है, मेरा मन कर रहा है यार इसको ले लेते हैं, थोड़े पैसे भी बन जाएंगे अपने, सिर्फ 42 मिलियन हो चुके हैं, 50 मिलियन भी हो गए ना अगर क्रेजी हो जाएगा। 464 में बेचने की बात करिए मैडम, इनको हम लोग ट्राई करते हैं कि कैसे भी है 310 में बेच दे, अगर दे दिया तो मज़े आ जाएंगे, लेट्स ट्राई, नहीं कर पाएंगी 340 के, कम ऑन यार यू कैन डू दिस, कम ऑन यार, इतनी क्यूट लग रही है, इतनी फिट लग रही हो, नहीं चलो ठीक है। मैडम यार मैं आपको बता रहा, आप जिम तो नहीं जा रही हो ना आजकल, लास्ट टाइम देखा तब से आप बहुत ज़्यादा फिट लग रही हो यार, क्या करा आपने यार, ये लास्ट ट्राई है मेरे पास, कितने का बोला इसने 464 ओके। मैं तो बता ही रहा हूँ यार, ये मैडम जो है ना, ये मेरे को ऐसा लगता है कि एटलीस्ट दिन में 2 बार जिम जा रही है, दिन में 2 बार जिम जा रही है, डाइट कर रही है मजे। चलो बढ़िया, अपने को गाड़ी मिल चुकी है, इसको हम लोग आराम से सेल करके इसमें से पैसा निकाल लेंगे, हम लोगों ने इसको 3.5 में निकाला राइट, हम लोग के पास है 416 पड़े हुए अभी राइट, तो इसको हम लोग आराम से 9 के आसपास में निकाल सकते हैं, तो अपना अच्छा खासा इसमें एक रेवेन्यू बन जाएगा। बट अभी के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको अंदर लगा के सेल पेन लगाएंगे, हम लोग क्या करेंगे कंटेनर पे जाएंगे और सोएंगे, क्योंकि 12 बजने वाले, ठीक है, तो हम लोग डे रिफ्रेश कर सकते हैं बेसिकली, यार ये चीज़ नहीं होती ना अगर डे रिफ्रेश करें, मैं कैसे भी भाई कार वो करता, कार मार्केट ओपन होने पे ही आता तो सुपरा आराम से मिलती भाई, प्लीज़ बोल दो एक और बार कार मार्केट है, अरे यार ऑक्शन है, चलो कोई बात नहीं। वैसे मैं अपनी गाड़ी लाना भूल गया, हम लोगों को नेबरहुड का भी एक चक्कर लगाना था, जहाँ पे वैसे कायदे से हम लोगों को गाड़ी नहीं मिल रही है, बट फिर वही है ना यार, अब तुम कोशिश भाई यार कोई चीज़ नहीं हो रही है, इसका मतलब ये थोड़ा तुम कोशिश करना बंद कर दोगे, समझ रहे हो, कोशिश चलती रहनी चाहिए बस, कुछ चले ना चले कोशिश जो है ना वो जारी रहनी चाहिए। चलो सबसे पहले हम लोग इसको लगाते हैं अंदर, एंड आई होप इसे टकरा के गाड़ी, नाइस मुझे लग ही रहा था,
ठीक है, इसको हम लोग अभी के लिए यहाँ लगा देंगे। भाई ऑडी R8 भी कसम से पता है, रियल लाइफ में अगर तुम लोगों को कभी देखने का मौका मिले देखना, बहुत प्यारी लगती है, बहुत प्यारी गाड़ी। थोड़ी सी आउटडेटेड लगती है पुरानी वाली, नई वाली तो बहुत क्रेजी है। अब खैर शायद से डिसकंटिन्यू हो गई है, बट लाइक पुरानी वाली थोड़ी सी आउटडेटेड लगती है, बट क्या लगती है भाई, मजाक से हट के मतलब मज़ा ही आ जाता है देखने की। तो बहुत ही मज़ेदार यार, बहुत ही ज़्यादा प्यारी, मतलब जितना ही बोलूँ उतना कम है। 777394 ना, पुट इट ऑन सेल, ये हम लोगों ने सेल पे लगा दी है, बढ़िया एकदम। और भाई बाहर से धुत रहे क्या? नहीं ना, हाँ चलो अभी हम लोग फटाक से क्या करते हैं, अपनी सुप्रा निकालते हैं, और ऑक्शन है 3 बजे, तो अपने पास बहुत सारा टाइम है। हम लोग वापस जा रहे क्यों? सबसे पहले यहाँ से जाते हुए देखेंगे कि क्या कोई कार सेल पे लगी हुई है, मतलब सेल पे मतलब ड्रैग पे, ठीक है। और नहीं यार, ये लोग आ जाते रहे मेरे पूरे ड्रिफ्ट की ऐसी। ओ यस, ओके ओके, लेकिन 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 गाइस रुको, क्या ये वो दिन है गाइस, क्या ये वो दिन है भाई, जल्दी भागो यहाँ से। देखो हम लोग वैसे भी ड्रिफ्ट कार से ड्रैग तो करने नहीं वाले, ठीक है, हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी वो। अरे कैसे भाई यार, कुछ भी करते हो यार, है कमाल करते हो यार पांडे जी। चलो फटाक से इसको लेके जाते हैं, पहले तो इसको हम लोग इसमें ड्रिफ्ट किट की जगह, बाकी सब सेट है, इसमें ड्रिफ्ट किट की जगह रेसिंग किट लगाते हैं। और भाई वहां पर एक ला फरारी खड़ी हुई है, वो फरारी हम लोगों ने ट्राई करनी है एक बार डॉज वाइपर से। अगर डॉज वाइपर से वो गाड़ी आ गई ना बैटिस कार, यू ऑल नो व्हाट वी आर डूइंग बॉयज, आज का दिन अपना वन ऑफ द मोस्ट लकीएस्ट डेज इन कार फॉर सेल हो जाएगा भाई, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ सच्ची में। चलो फटाक से इसमें रेस किट लगा के जल्दी से निकलते हैं, ठीक है। इन लोगों ने लिटरली भाई ड्रिफ्टिंग बहुत अच्छी कर दी है, पता तुम लोग, मतलब नो जोक्स। अबे ये क्या था, अबे ये क्या था भाई, जस्ट थोड़ी सी वो करता हूँ इसकी गेम की, थोड़ी सी तारीफ करता हूँ, वैसी गेम कुछ हक देता है भाई, क्या है यार ये। बैट इस कार चलो हो जाए भाई, ये सुपर आ जाती है तो हमारे कलेक्शन में 2 सुपर आ जाएंगे 5 में से। मेरे को जनरली तुम लोग सोच रहे हो कि भाई मैं सुपर के पीछे जा रहा हूँ जबकि बगल, शिट बहुत बड़ी गलती हो गई गाइस, बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे पता है तुम लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी मे बी, बट मैं तुम लोगों को बताता हूँ एक बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से गाइस, बहुत बड़ी गलती, छोटी भी नहीं। देखो कभी कभार क्या ग्लिच होता है ना कि तुम लोग एक रेस करके आते हो और अरे 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 कभी कभार तुम एक रेस करके आते हो और जब तुम वो रेस जीत के हार के जैसे भी आते हो, ये तो जीत गया भाई। चलो जब तुम लोग वो रेस जीत के या हार के आते हो ना, उसके बाद क्या होता है कि बाकी सारी रेसेस रीसेट हो जाती है, कभी कभार जो गाड़ियां वहां पे ऑलरेडी होती है वो गाड़ियां हट जाती हैं। तो मुझे यही डर लग रहा है कि भगवान प्लीज प्लीज़ मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज़ वो ला फरारी ना गई हो, मैंने कहीं यार सुपरा लेने के चक्कर में ला फरारी ना दे दी हो, प्लीज़ यार प्लीज़ खड़ी है बोल दो, प्लीज़ खड़ी है, मैं देख भी नहीं रहा भाई, मैं देख भी नहीं रहा भाई, भाई मैं देख भी नहीं रहा भाई। यस है, चलो सबसे पहले इसको हम लोग भिजवा देते हैं टोट्रक 1 में और इस भाई से बात करते हैं, अगर ये सुपरा से ही फाइट करने के तैयार है ना मैं रेडी हूँ। लेकिन देख रहे हो 30,000 की बैट लगा रहे हैं वो, क्यों? क्योंकि उसको ही पता है ना उसकी गाड़ी में यार V12 वो सब है भाई, क्रेजी है एकदम, फरारी के V12 की तो कहाँ कहाँ तक बात है। वैसे मेरे को कंफर्म नहीं पता है कि ला फरारी में V12 है या फिर कौन सा है, तुम लोग बताना अगर तुम लोगों को गारंटीड बताया तो, ठीक है। जहाँ तक मुझे याद है V12 है, ठीक है। चलो फटाक से एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको लगाते हैं। देखो हम लोगों ने पहले ट्राई किया हुआ है, ला फरारी में कोई भी गाड़ी काम नहीं करती है रेस के लिए, अदर देन अपनी ये क्या कहते हैं उसे लैम्बोर्गिनी, शायद से वो भी मेरे को अच्छे से याद नहीं, शायद से लैम्बोर्गिनी काम करती है। और लेकिन अगर अरे ये क्या गाड़ी ऑन है क्या? अबे अच्छा ओके, सेल पे लग गई ना तो ऑन हो गई, चलो कोई नहीं यार, कोई ले जाए इसको बस। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को निकालनी है ये डॉज वाइपर, ठीक है, इसको हम लोग निकालते हैं। अब तुम लोग समझ रहे होगे ना कि इसको निकालना जरूरी क्या है, मेरे ख्याल से इसको ना, ओ क्लोज्ड है अपनी शॉप, मैं तभी सोचूं। चलो हम लोग फटाक से डॉज वाइपर निकाल के लेके आते हैं, लेकिन सुनो डॉज वाइपर को भी निकालने से पहले ना एक बार चेक कर लेते हैं इसमें सब कुछ कूल है ना, रेसिंग किट है, ड्रिफ्ट किट भी है, ये तो खैर रेसिंग किट ही होगी इसके अंदर। हाँ रेसिंग किट है, ठीक है। अब इसको लेके चलते हैं भाई सारे के सारे, प्लीज़ गाइस कमेंट सेक्शन में अभी प्रे इमोजी कर दो, और जिसने भी लाइक नहीं करा है लाइक वाला बटन दबा दो,
प्लीज यार मेरे को लक चाहिए तुम लोगों से, ठीक है? जितना ज्यादा लक हो सकता है उतना लक चाहिए, प्लीज यार ये ला फरारी हमारी हो जाए प्लीज यार। दुनिया का सबसे गंदे कलर में ला फरारी लिया भाई ने, लेकिन प्लीज यार प्लीज प्लीज ना, प्लीज ना भाई, प्लीज ना यार, प्लीज ना यार भाई। गेम की सबसे सेकंड सबसे महंगी गाड़ी लेके आया वो मैं, प्लीज कर ले बैटिस कार, प्लीज कर ले, बट ये जितना प्राइस दिखा रहा है ये नहीं करेगा बैटिस कार। डॉज वाइपर वर्सेस ला फरारी ना, नहीं करेगा यार ये, नहीं करेगा भाई। ये जितना बड़ी बैट लगा रहे हैं ना 20-30 हज़ार अभी भी, तो ये नहीं करेगा। यार आई कैन गारंटी इट बीट हिज ला फरारी इन दिस डॉज वाइपर, बट नहीं करेगा वो रेस। रुको मैं एक बार सेकंड मोस्ट से करता हूँ, मैं एक बार ना लैम्बोर्गिनी लेके आता हूँ, अगर ये लैम्बोर्गिनी से करने के लिए रेडी हो जाएगा तो मैं लैम्बोर्गिनी कुंटाज से ही कर लूँगा, चलो ठीक है। लेकिन ला फरारी बहुत फास्ट कार है लैम्बोर्गिनी। ये क्या है भाई, किससे टकरा दी मेरी गाड़ी? मेरे को जितना याद है भाई लैम्बोर्गिनी कुंटाज थोड़ा सा मुश्किल होगी, अनटिल अनलेस उसकी गाड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाए और मेरी शिफ्टिंग एकदम एक्यूरेट हो, मतलब एक्यूरेट मतलब एक्यूरेट, इससे अच्छी शिफ्टिंग कभी नहीं देखी किसी ने, ऐसी हो ठीक है। मैनुअल एबीएस रेसिंग के टर्बो नॉस, चलो इसको लेके चलते हैं। मेरे को जहाँ तक पता है नहीं होगी, बट फिर भी एक बार लेके जाने में क्या दिक्कत है, राइट? भाई मुझे पता है कि नहीं होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हो, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चलो भाई प्लीज़ कर ले बैट इस कार कर ले। देखो बैट थोड़ी नीचे तो करी इसने, पता नहीं क्यों करी, मेरे को नहीं पता, क्योंकि डॉज वाइपर कायदे से महंगी गाड़ी है ठीक है इन सबसे, बट ये बैट इस कार नहीं करेगा रे, कौन करेगा रे? लैम्बोर्गिनी कुंटाज और ला फरारी के बीच में बैट इस कार तो कोई नहीं करेगा ना यार। कम ऑन यार, इटली की दो बेस्ट प्रोडक्शन वो है कार्स हैं, प्लीज ना यार। चलो ठीक है एंटीक, मतलब वही गैराज क्वींस भाई, लिटरली कुंटाज और ला फरारी दोनों गैराज क्वींस हैं, लाइक इटली की हैं भाई, बट इससे भी नहीं करेगा। एक लास्ट चांस मैं ले रहा हूँ ठीक है, एक लास्ट चांस ले रहा हूँ मैं, अरे भाई साहब ठीक है, एक लास्ट चांस ले रहा हूँ, लेकिन उसके बाद फिर पैसा ही लेंगे हम इससे ठीक है। ये 20-30 हज़ार रुपये देने के लिए तैयार है ना, तो हम इससे अच्छे से पैसा मारेंगे। अब देखो ठीक है, अब हम इससे निकालेंगे अपनी दुलारी द निसान GTR। इट इज़ टाइम बॉयज एंड गर्ल्स, इट इज़ टाइम, ये लेके चलते हैं। अगर बात बन गई तो बन गई, वरना इसको डिफीट करके पैसे तो लेके आऊँगा मैं इससे, 30-40 हज़ार जितने डॉलर देने के लिए तैयार है ना, ये सारे लूट के आऊँगा इस समय। सोचो अगर इसने रेस के लिए हाँ बोल दी, भाई मैं मजाक नहीं करूँगा, बहुत क्रेजी हो जाएगा भाई। यार मेरी निसान GTR देख रहे हो तुम लोग, जापानीज कार वेरी बैड, डू यू वॉन्ट टू रेस फॉर कार, फॉर कार बैट इज कार, नहीं जी यार ये बैटिस कार करता ही नहीं है। गाइस अगर तुम लोगों को पता है कि बैटिस कार ला फरारी से कौन कर सकता है तो मेरे को बताना, क्योंकि मेरे को जहाँ तक पता है कोई नहीं कर सकता है। 25K सबसे ज़्यादा रुपए दे रहा है, राइट? ये 25K भी नहीं आ रहा है अब भाई, मैं तो रेस करूँगा इससे कुछ भी हो आ जा। अरे यार घोंचू, 25K 24 बस चलो आ जाओ। 25K डॉलर्स के लिए इससे एक रेस कर लेंगे, एटलीस्ट अपनी गाड़ी रिपेयर करने का खर्चा आ जाएगा ठीक है। हमको पता है हम इसको हरा ही देंगे, क्योंकि निसान GTR इज़ द फास्टेस्ट कार इन दिस गेम राइट नाउ। वैसे अपडेट्स के बाद मेरे को पक्का कंफर्म नहीं है, बट क्या लगती है यार ला फरारी अगर ये रेड कलर में लेके आया होता ना भाई, मैं तुम्हें जेन्युइन बता सकता हूँ ये गाड़ी भाई लुक्स में तो चीर देती है सारी गाड़ियों को भाई। चलो अभी हम लोग शुरू करते हैं। एक तो इन लोगों ने वो सारी चीजें हटा दी ना यार। चलो रेडी 2 1 चलना यार। कार फॉर कार होता ना, लाइक बैटिस कार होता ना, इसको मैं बता देता भाई अभी अभी
अभी मैं बता देता इसको, मैं बैटिस कार होता अगर बाई चांस तो इस लाफरारी को ढंग से ही बता देता मैं, बट किस्मत नहीं है ना यार, किसी कार से नहीं आता बैटिस कार लाफरारी में। एक गाड़ी चाहिए, बस एक गाड़ी, और उस गाड़ी ने ऐसा अटका के रखा हुआ ना, तुम लोगों को पता ही है यार कहानी। चलो कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते राइट। चलो फटाक से अपनी GTR को लेके निकलते हैं यहाँ पर से और जाके देखते हैं। हम लोगों को अभी भी 3 सुपरा और चाहिए भाई, मेरे को ऑलरेडी यहाँ पे 2 घंटे के आसपास हो चुके हैं, 3 सुपरा और चाहिए। चलो गाइस फटाफट से चलते हैं, ऑक्शन स्टार्ट हो चुका है, एक्चुअली 1 घंटा हो चुका है ऑक्शन स्टार्ट हुए। अगर सुपरा निकल गई यार, किस्मत देखो भाई, जस्ट एक रेस खत्म करके आया यहाँ, जस्ट एक सुपरा निकल गई हाथ से भाई, क्या किस्मत है। जिस समय मैं टाइम पे आ जाऊंगा उस टाइम पे कभी नहीं आएगी गाड़ी, और आज मैं एक बार लेट हुआ, एक बार लिटरल एक बार। यार ये बहुत गलत चीज है भाई, मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रहा हूँ गाइस, ये बहुत गलत चीज है। हम लोगों के पास सिर्फ 2 सुपरा हुई है अभी तक का, और वो बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है मजाक से हट के यार। और दोनों सुपरा आई गेस हम लोगों को ऑक्शन से ही मिली है। नहीं नहीं नहीं, हम लोग कहाँ से मिली, एक सुपरा नहीं, एक ऑक्शन से नहीं, सॉरी, एक सुपरा तो हम लोगों को यहाँ पर रेस करके मिली, दूसरी भी हम लोगों को रेस करके मिली थी क्या? नहीं, तो हमें 2 सुपरा कैसे मिली हाँ? भाई पहली सुपरा हमें नेबरहुड में मिली थी, दूसरी सुपरा हम लोगों को सीधे वहाँ मिली थी, क्या कहते उसे, अरे भाई मैं एक बार खुश हो गया, मैंने कहा यार चलो यार मैं जब तक आप बोल रहा हूँ उतनी देर में एक और सुपरा मिल गई है, खुशी हो गई थी अभी। ओए आराम से भाई, ढंग से चला ले। ओए ये टेस्ला टूसला दिख रही है यहाँ पे, वो सुपरा है क्या? हाँ ऑडी TT। छी यार भाई, एक भी गाड़ी ढंग की नहीं दिख रही है हम लोगों को, मतलब गाड़ी ढंग की क्या, हम लोगों को जो चाहिए वही नहीं मिल रहा है बस। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले जाके सोते हैं हम लोग, कल को दोबारा से नेबरहुड का एक चक्कर मारेंगे भाई, यही चीज़ है बस। ये चैलेंजेस ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुके हैं अब, मैं झूठ नहीं बोलूँगा तुम लोगों को, पहले ना इतना इजी लगता था कि अरे हो जाएंगे, मतलब इजी तो नहीं था बट फिर भी एक हद तक चैलेंजिंग था। अब तो भाई साहब हालत टाइट हो जाती है यार, छोटे छोटे चैलेंजेस, सुपरा जमा करनी, 5 सुपरा कायदे से एक टाइम पे, तुम्हें याद होगा तो भाई नेबरहुड में हर बंदे के पास सुपरा थी एक टाइम पे, बट भाई जैसी इकोनॉमी हिट हो रही है यहाँ पे भयंकर, किसी के पास नहीं है अब, एक टाइम पे लिटरली हर किसी के पास दिखती थी यार। जाके एक और बार चेक करते हैं, होपफुली कोई तो बेच रहा हो नेबरहुड में, हमें पहली सुपरा भी वहीं मिली थी, क्या पता तीसरी भी यहीं मिले। भाई 5 जमा करनी है, मेरे को तो लग रहा है हालत टाइट होने वाली है 5 में फिर आज, मतलब लिटरली ब्रो, मेरे को लगा नहीं था कभी कि मैं ये चीज़ बोलूँगा, बट कहीं हम लोग सुपरा का चैलेंज ना हार जाएँ। कमॉन यार ब्रो ऐसा मत करना, एक वो लाफरारी हाथ से निकल ही गई, पूरा मूड खराब भाई यार, वो लाफरारी आ जाती ना यार, दिल जो बागवान हो जाता ना मेरा। नहीं डॉज चैलेंजर नहीं चाहिए भाई, सुपरा चाहिए, सुपरा सुपरा, माय डैड हैज अ GTR, बड़ा भाई हमें चाहिए सुपरा। हटो हटो भैया, देख के चलाओ यार, ढंग से चला ले। ओए क्या चला रहे हो तुम लोग ऐसे, क्या इतने शार्प कट्स क्या मार रहे हो भाई, थोड़ी ढंग से चला लो गाड़ी यार, गाड़ी जैसे चलती है वैसे चलाओ ना। वो क्या है, नहीं ना, बेकार गाड़ियाँ दोनों की दोनों, मतलब बेकार नहीं है, बक्की रीगर ठीक गाड़ी है, पैसा अच्छा खासा दे देती है, बट फिर वही है ना, हमें पैसे से थोड़ा ही मतलब है। चलो अभी के लिए लगाते हैं इस गाड़ी को यहीं पर दोबारा से, और एक्चुअली एक मिनट, मैं अपनी GTR को अंदर लगाता हूँ भाई, हम लोग GTR से कर ही कह रहे हैं अभी। गाइज हम लोग अपने शोरूम को खोल देते हैं और चलते हैं भाई कार मार्केट में, कार मार्केट में कभी कभार किस्मत रहती है, 3-3 सुपरा भी देखी है मैंने एक लाइन में, सो लेट्स होप। अरे ये कहाँ आ गया मैं अपने, हर बार गलती से पता नहीं कैसे मैं कंटेनर पे आ जाता हूँ भाई, नींद आती है मुझे, समझ रहे हो तुम लोग, सोने का मन करता है तो कंटेनर। भाई मैं मजाक नहीं करूँगा, क्या किस्मत चल रही है मेरे से मत पूछो भाई, मत पूछो क्या किस्मत चल रही है ये भाई, जब हम लोग सुपरा का चैलेंज करने आए थे एक सुपरा नहीं दिख रही, देख रहे हो तुम लोग, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये दोनों भाई जो है ना जुड़वा भाई, ये मेरे साथ खेल कर रहे हैं, ये मेरे से पहले आके यहाँ से सुपरा उठा के गए, मेरे से लिख के ले लो तुम लोग, चलो लिख के मत लो, क्या पता ना ले गए हो फिर दिक्कत हो जाती है ना। चलो देखते हैं एक बार अंदर, एक बंदा तो आया हुआ है भाई, स्टार्ट गाड़ी भाई, इंजन रनिंग में है इसका, बैटरी बैठ जाएगी देखो इसकी, इंजन रनिंग में भी नहीं, घुमा के छोड़ेगी चाबी बस, इसलिए इसको फटाफट भेज देते हैं इससे पहले कि बिके ना कभी। भाई यार तू पागल है क्या थोड़ा सा, मतलब मैं पैसे क्या बनाऊँ फिर तेरे से भाई, 50,000 रुपये ऊपर बता रहा जितने की मैंने खरीदी, तू पागल है क्या भाई। मैं एक बात बता रहा हूँ सुन, देख ठीक है 6 लाख में खरीदनी है तो बता मेरे को, वरना मत बता मेरे को,
ठीक है, 6 लाख से $1 कम करा है भाई के लिए मैंने, बढ़िया नहीं कर, मेरे को नहीं बेचनी। ये मैडम देखो, अब देखो बेटे, अब देखो, ये देखो भाई, ये है मैडम जिनने अपने पति का आज क्रेडिट कार्ड ले लिया है और आज ये मैडम स्वाइप करने निकली है। देखो 571, अब होगा मजा। ये देखो तुम, इसको 650 भी बोलूँगा ना देगी, ये कहेगी ले लो, ये लो प्रैक्टिकल कार कह के ले गई। क्या ऑडी आर एट को प्रैक्टिकल कार बोल के गई है वो भाई। इतना ही कार नॉलेज चाहिए कि ऑडी आर एट को एक प्रैक्टिकल कार बोल के ले जाऊँ मैं, मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग भाई लोग बोलने को भाई एक तरह से इसको भी 911 करेरा को भी भाई वो बोलते हैं, लाइक डेली ड्राइवर बोलते हैं, एक बहुत प्रैक्टिकल कार बोलते हैं, जो कि वो है, बट इन द एंड ऑफ द डे भाई वो एक सुपर कार ही है, समझ रहे हो, एक सुपर स्पोर्ट्स ही है। तो जब उसमें मैं लॉन्ग ड्राइव करता हूँ, जैसे कभी दिल्ली ले जाता हूँ, कभी ले जाता हूँ, भाई पीठ में दर्द होती है, पीठ में पिछवाड़ों में भी होती है भाई, तुमसे क्या छुपाना, मतलब पिछवाड़ा तो छुपा के रखना चाहिए, बट जी यार, बट मतलब वही वाली बात है, मेरे कहने का मतलब वही है कि भाई बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इवन दो वो है एक डेली ड्राइवर है, प्रैक्टिकल कार है, बट तुम उसमें 6-6 घंटे करते हो तो दर्द होता है भाई पीठ में। और फिर इंडिया में तो भाई तुम अपनी गाड़ी को लिटरली इतना बचा के चलना होता है ना। देखो कुछ लोग तो होते हैं जो अच्छे लोग होते हैं, ठीक है, हमारे जैसे लोग जिनको गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, जिनको गाड़ियों से प्यार है, ठीक है। फिर आते हैं वो बंदे जिनको ऐसे लगता है कि तुम समझ रहे हो कि बंदा गाड़ी लेके निकला है तो ये कुछ करने की कोशिश कर रहा है, ये हमको, हमसे खुद को बड़ा दिखा रहा है या फिर ऐसे। और ये होता है भाई, मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रहा हूँ कि लोग सोचते हैं कि भाई मतलब हम लोग अगर गाड़ी लेके निकले तो हम उनको नीचा दिखा रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं। भाई हम तो खाली अपनी गाड़ी इंजॉय करने निकले, हमने जिसके लिए, भाई लोग लिटरली ऐसा कट मारते, एकदम पास पास से चिपका चिपका के निकालते हैं ऐसे ऑलमोस्ट। और मैं क्या बताऊँ यार तुम लोगों को, भाई बहुत बीटी है यार। ये क्या हुआ, किस चीज़ से टकराई मेरी गाड़ी जो ये एक रोला रप्पा खा के बिल्कुल खड़ी हो गई सीधे, मतलब क्या क्या था इसमें। अरे यार यहाँ पे बहुत ही गंदा देख रहे हो भाई यार, इट्स अ सुपरा यार भाई, कुछ भी झेल जाती है गाड़ी, ये नहीं झेल पाई बेचारी। लो भाई किस्मत देख लो, आज कुछ भी नहीं है ना, ऑक्शन है और ना ही वो है आज, क्या कहते उसे कुछ खुला है कार मार्केट या कुछ भी। अब भाई मैं हूँ नेबरहुड के भरोसे, अगर मुझे सुपरा मिलनी होगी तो मुझे नेबरहुड में मिल जाएगी, ठीक है। कम ऑन यार, प्लीज़ यार भाई, एक तो बनती है नहीं, ठीक है गाड़ी घुमा लो, एक सुपरा वाले सुपरा दे दो, सुपरा वाले या सुपरा दे दो कबाड़िया है भाई, सुपरा निकालो, सुपरा घर से सुपरा निकालो। नहीं भाई यार, क्या किस्मत चल रही है मेरी यार, अब मैं रेस में भी जाऊंगा तो वहां भी कोई सुपरा नहीं होगी, तुम समझ रहे हो, मतलब दो सुपरा के बाद तीसरी का तो नंबर ही नहीं है, तीसरी का कोई नामो निशान ही नहीं है भाई। ये होंडा कर रखी है, वो ऐसे लग रहा है जैसे R34 होगी गाइस, पूरे 2 घंटे के बाद, और मैं जेन्युइन बता रहा हूँ तुम लोगों को भाई, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ मैं बहुत देर से भाई बार बार AFK हो के लेके आ रहा हूँ, फाइनली हम लोगों को अपनी तीसरी सुपरा मिली है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, ये गेम ना बहुत ज़्यादा ही अलग ही लेवल पे जा चुका है अब भाई, इधर पे लिटरली भाई चीज़ें तुम लोगों को चाहिए ना बहुत ही ज़्यादा टाइम, बहुत ही ज़्यादा लाइक कैसे बताऊँ यार, बहुत ज़्यादा ही नखरे हो रखे हैं भाई। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए ना, सोचो सुपरा जैसी गाड़ी हम लोग 10 जमा कर सकते थे एक टाइम पे, बट अभी वो मिल ही नहीं रही है, तुम समझ रहे हो, कोई बेच ही नहीं रहा है, मेरे को वो समझ में नहीं आया भाई, वोक्सवैगन बीटल थी इधर। चलो अभी फटाक से एक काम करते हैं, इधर से होते हुए जाते हैं, प्लीज़ यार, प्लीज़ भाई, प्लीज़ अगर तुम लोगों ने ये वीडियो को लाइक किया होगा तो हम लोग वहाँ रेस करने जाएंगे और हमें एक गाड़ी दिखेगी होगी। अरे 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 भाई ठोक दिया था इसने भी ऑलमोस्ट मेरे को, नहीं है चलो कोई बात नहीं, अब लाइक कर दो गाइस, ठीक है, अगर तुम लोग ने अब लाइक कर दी। अच्छा एक्चुअली हम लोगों को एक सुपरा तो मिली गई है ना, अभी हम लोगों को कैसे भी ऑक्शन तक का रुकना है, 2 बजे ऑक्शन है, तब तक हमें जो अभी सुपरा लेके आया उसको चमका देता हूँ एकदम, ठीक है। अपने पास 3 सुपराज हो चुकी हैं, 2 और चाहिए भाई, तुम सोचो ना यार ये कितना टफ मिशन बन चुका है भाई, मैं तुम्हें सच्ची बता रहा हूँ, ये इतना टफ होना नहीं चाहिए कायदे से। हम लोगों ने वहाँ दी थी नहीं, ओके चलो 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 फटाक से भाई, चट पट फट फट भाई, इसको एकदम रिपेयर करके चकाचक बना दो गाड़ी को, ठीक है, फट फट चाहिए मेरे को। देखो जरा कर भी रहे हो, काम नहीं कर रहे हो तुम,
जो गायब हो जाएगा। गोकू है गोकू, इंस्टेंट इंस्टेंट ट्रांसमिशन। चलो हम लोग दूसरी वैसे सुपरा करेंगे क्या, एक तो व्हाइट कलर की कर दी हम लोगों ने। जापान का फ्लैग कैसा होता है, व्हाइट पे रेड कलर का डॉट होता है राइट। हाँ तो हम लोग जापान का फ्लैग भी बना सकते हैं, व्हाइट से एक गाड़ी रेड है ना, दो व्हाइट एक रेड, चार व्हाइट एक रेड उनके बीच में जापान का फ्लैग। वाह वाह देख रहे हो तुम ऐसे यार, मुझे कुछ तो पुरस्कार मिलना चाहिए इसके लिए भाई, और मेरा पुरस्कार हो तुम। देख रहे हो तुम फ्लैटिंग, देख रहे हो फ्लैटिंग, लेसन ले रहा हूँ मैं अभी के लिए। चलो फटाक से इसको निकालते हैं, हम लोग इसको वाइट ही रहने देंगे ठीक है, लेकिन हम लोगों को सारी गाड़ियों को एक ही टोन वाइट करना पड़ेगा। ये जो है ये लाइट ब्लू है, एक्चुअली वाइट ही है, उधर अंदर लग रहा था शाइन में, एक बार इसको चमका के देखता हूँ, अब भी पता चल जाएगा वाइट है भाई, ये प्रॉपर वाइट है देखो, बढ़िया वाला वाइट है ये एकदम। चलो गाड़ी भी चमक गई है, इसको इसको मैं वो नहीं कर रहा हूँ लाइक प्रॉपर वो नहीं बना रहा हूँ मैं इसको, ये जो पिंक है ना इसको हम रेड करवा देंगे ठीक है। तो ये अपना, यार मैं जापान का फ्लैग गलत तो नहीं बता रहा हूँ कहीं, सही है ना, वाइट पे रेड कलर का डॉट ही तो होता है, नहीं आई जस्ट होप सही हूँ मैं भाई, प्लीज़ यार देर वी गो, वरना मेरी ज्योग्राफी तो बहुत वीक है भाई अगर ऐसा है। चलो ऑक्शन खुलने का टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट, हम लोगों को बस 30 सेकंड्स और रुकना ऑक्शन के लिए, तो हम लोग अपनी गाड़ी लेके चल देते हैं। भाई ये गॉड आई व्यू तो मत ही दो भाई, मेरे से वो गॉड आई व्यू वाले गेम वैसे ही नहीं खेले जाते हैं, फिर ये और दे दे रहे, लेकिन एक्चुअली मैं बहुत खेले भाई एज ऑफ एम्पायर, एज ऑफ माइथोलॉजी भाई सर, मिथोलॉजी सर। चलो अब रुकते हैं थोड़ी देर और देखते हैं भाई क्या हम लोगों को एक और सुपरा मिलेगी, क्योंकि हमें अभी भी दो सुपरा और चाहिए, या फिर अगर वो ला फरारी मिल जाए तो और मज़ा आ जाएगा। तो गाइस फरारी आ चुकी है बट भाई सुपरा नहीं आ रही है, और मेरे को जेन्युइनली मैं लूंगा भी नहीं भाई, मेरी शक्ल देखो मैं जेन्युइनली नहीं लूंगा भाई, इसलिए नहीं कि मैं ले नहीं सकता हूँ भाई ठीक है ना, 422 पड़े हुए, बट सीन क्या है कि भाई नहीं मेरे को सुपरा चाहिए, मतलब सुपरा ही चाहिए भाई, लक्ष्य से भटकना नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी हमें और आगे जाना है, अभी हम खाई से उठ के जमीन पर आए हैं और हमें तो आसमान की ऊंचाइयों को छूना है, अभी हमें कोशिश करते जाना है। चलो भाई डॉज चैलेंजर आ गई है, अब हमारा निकलने का ऐसे टाइम आ चुका है, अभी हमें कोशिश करते जाना है। चलो ए यार इसको लेके ही चलता हूँ भाई, आते हुए देख के आएंगे, क्या पता नेबरहुड में दो गाड़ियां मिल जाए, यू नेवर नो। गाइस आज कार मार्केट प्लेस खुली हुई है एंड आई एम गेटिंग अ फीलिंग ब्रो, आई एम गेटिंग अ फीलिंग कि आज हमें सुपरा देखने को मिलने वाली है कार मार्केट में। 1 2 3 बूम, क्या है आज मेरा बहुत ही गंदा दिन चल रहा है क्या, मतलब नहीं मतलब क्या बहुत ही गंदा दिन चल रहा है क्या, मतलब जेन्युइनली मतलब यार क्या है ये, क्यों है ये है, मतलब तुम्हें याद होगा अगर जिस समय हम लोग ऑडी आर आई टी ये सब जमा करते, तुम्हें याद है कितनी सुपरा दिख रही थी एक ही उसमें, एक कार मार्केट में एटलीस्ट 3 सुपरा आती थी, और आज देख लो एक वो दिन है और आज का दिन है, एक भी सुपरा नहीं आ रही है। डॉज चैलेंजर पे डॉज चैलेंजर आ रही है, वैसे दिखने की तो बड़ी तगड़ी लगती है डॉज चैलेंजर, और आवाज़ देखिए कैसी करती है, ऐसी नहीं करती है बट इससे अच्छी करती है, मतलब समझ रहे हो ना तुम, ये तो रेफरेंस था एक बस, बहुत ही गंदा रेफरेंस था बट ठीक है ना, अब हो गया जो हो गया भाई, एक सुपरा दिला दो बस प्लीज़ यार, प्लीज़ सूखे को एक सुपरा दिला दो प्लीज़ यार, समझ रहे हो तुम। ओ नो ये निकाली मैंने और ये मारा मैंने यू टर्न, देख रहे हो तुम लोग, वो देखो उनके आपस में लड़ाई हो गई वहाँ। चलो गाइज यहाँ तो कुछ नहीं है, अब हम चलते हैं राइट साइड को जहाँ पर होती है कार रेस, अगर तुम लोगों ने अब लाइक वाला बटन दबा दिया होगा तो हम लोगों को एक ना एक सुपरा मिली जानी है, देखो तुम एक सुपरा तो एटलीस्ट आ रही है सुपरा, लाइक कर लो ना भाई यार वीडियो को भाई यार, 100 लाइक हो जाए यार सुपरा के, आनंद नहीं हो, अरे सॉरी गलती से नहीं हुआ, गलती से हुआ। चलो अब एक काम करते हैं हम लोग, अभी तो वैसे भी सो नहीं सकते हैं, 9 बज रहे हैं, हम लोग तब तक का क्या करते हैं ना, उस वाली सुपरा को हम लोग रेड कलर करवा के ले आते हैं जो हम लोगों ने पिंक बना रखी है, और हम लोगों को क्या करना पड़ेगा इसको ना, सबको हम लोगों को थोड़ा सा कलर थीम भी सेम रखनी पड़ेगी, अगर सिल्की नहीं है तो मतलब नहीं है, ऐसे रखना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं कि किसी में समझ रहे हो ना, किसी में तुम्हें
मेटेलिक ज़्यादा दिख रहा है, किसी में कम है, सब में सेम होना चाहिए। पार्ट्स, कार, पॉलिश, ठीक है, तो पॉलिश फुल या फिर पॉलिश, हाँ पॉलिश फुल मेटेलिक हाफ, ठीक है, पॉलिश फुल मेटेलिक हाफ ये करना है, पॉलिश फुल मेटेलिक हाफ। ये पूरी रेड हो गई क्योंकि हम लोग जापान का मैप बनाने वाले, सिंस टोयोटा इज़ फ्रॉम जापान ओनली, तो हम लोग इसको जापान के मैप टाइप का बनाने वाले हैं, जैसे हम लोगों ने R8 से कायदे से वो बना रखा, बट ऑडी तो जर्मनी है, जर्मनी की कंपनी, सॉरी जर्मनी कह रहा हूँ, रशियन कंपनी, माई बैड। बट लेट्स गो, इसको लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, बस ठीक है, इसको ऐसे करके लगा देते हैं। या फिर एक काम कर सकते होते हैं क्या, हम लोग ना हर एक गाड़ी को ना एक कांच के हिसाब से रख सकते हैं, बताए समझे मेरा मतलब, कि वो एग्जैक्टली उस कांच के बीच में आए, क्या कूल लगेगा। नहीं देखो, वाइट कलर का रेक्टेंगल, उसके सेंटर में रेड डॉट, ठीक है। अब देखो रेड डॉट बोला तो बहुत सारे पबजी मोबाइल वाले लोग होंगे, अरे रेड डॉट समझ गया मैं भाई, मेरा ही फेवरेट रेड डॉट ही था वैसे, मतलब एसॉल्ट में ऑफ कोर्स, स्नाइपर में तो भाई 6x, नहीं 8x सॉरी, और M4 में 6x, यस M4 में 6x क्या चलता है भाई, 3x बना दो उसको, गड़गड़ ऐसे नहीं चलता है, बट स्टिल ठीक है। हम लोगों ने वो रख दिया, अब हम लोगों को एक लेफ्ट साइड पे इसके, या रुको इसको भी मैं करके ही आता हूँ भाई, वैसे भी अभी हम लोग सोने जा नहीं सकते, तो मेरे को 2 मिनट दो, मैं यूं गया और यूं आता हूँ। फाइनली दोस्तों, ला ला ला, एक और सुपरा भाई, देख रहे हो तुम लोग भाई, ये फरारी तो क्या कूड़े के भाव मिल रही है, मतलब कूड़े के भाव नहीं मिल रही है, बट देख रहे हो तुम लोग, मतलब सोचो हमें सुपरा से ज़्यादा फरारी मिल रही है, अभी तक का इन टोटल मेरे को 4 फरारियाँ दिख चुकी हैं, जबकि ये हमारी 4th सुपरा होने वाली है अब, जबकि मैं तो फरारी ढूंढ भी नहीं रहा हूँ, तो मेरे को ऑक्शन में एक्चुअली 5 से ज़्यादा फरारी दिख चुकी है मेरे को भाई, व्हाट, रुक जाओ ऐसे बार्गेन कर, भाई बार्गेन मतलब तू यार दे दे भाई मुझे जितने में, बस भाई दे दे भाई, बस नीचे नहीं करना बार्गेन भाई, माफ़ कर दो यार मालिक मेरे भाई, जेन्युइनली यार बस भेज दो मुझे तुम, ये मतलब मुझे मत भेज दो, मुझे गाड़ी भेज दो अपनी भाई साहब, भाई ऐसी हालत टाइट कर दी ना इन लोगों ने, एक सुपर आगे ले भाई, मतलब जेन्युइन ब्रो, लाइक सुपरा इसमें बहुत तगड़ी गाड़ी है, 0 to 100 आई थिंक सुपरा सेकेंड या थर्ड नंबर पर आती है आई गेस, याद नहीं आ रहा है मेरे को अच्छे से, बट थर्ड नंबर ही ऐसे पर आती है, बट रेयरिटी के मामले में सुपरा बड़ी ईजिली मिल जाती थी भाई, अब देख रहे हो तुम लोग, मतलब तुम देख रहे हो हालत भाई साहब, मिलिनरी हो गया, कर दे यार सही कर दे भाई फटाफट, इसको भी वाइट करके मैं इसको भी लगा देता हूँ फटाक से वहाँ पे, और उसके बाद अपनी वाली सुपरा लेके चलते हैं, और एक बार नेबरहुड का राउंड लगाते हैं, अगर किस्मत हुई, और सोचो नेबरहुड जाके एक और सुपरा मिल गई, हमारे 5 सुपरा का चैलेंज यहीं पे अभी के अभी ख़त्म हो जाएगा भाई, और जेन्युइनली मैंने जितना सोचा था ना उससे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ऑलरेडी मेरे को 3 से ज़्यादा घंटे हो चुके ऑलमोस्ट, ठीक है, और इसमें शायद से ड्रिफ्ट फिट है, इसमें ड्रिफ्ट फिट है, बढ़िया रिपोर्ट रही है बिल्कुल भाई। अब देखो ये गॉड आई व्यू अब काम आएगा, रेडी, अब अगर हमें ऐसे में एक सुपरा दिख गई ऊपर से, तुम देख रहे हो ड्रोन व्यू है, ड्रोन से देख रहे हैं हम लोग कि हमारे इसमें भाई बहुत ही सर में दर्द हो रहा है, भाई यार ओए आराम से भाई, कैसे चला रहा है गाड़ी, अंधा है क्या भाई, व्हाट, ओ आया सुपर तेरा देसी कलाकार, तोहफे विच देके हार, लेट्स गो मेरे भाई, दे दे ये मुझे कार, 50% डैमेज कोई बात नहीं भाई, ले लेंगे 60,000 में, तू पागल हो रहा है क्या भाई, 40,000 में दे चुपचाप, हाँ और डैमेज 42% डैमेज गाड़ी कैसे, अरे यार 45K ब्रो, 45K ओके जी, ठीक है सुनो 54K ठीक है, 54K इज डूएबल है ना, नाइस चलो इसको तो हम लोग सीधा भाई, इसकी तो बहुत ज़्यादा जरूरत है, ये तो ना पूरा बम्पर गया हुआ है, देख रहे हो तुम लोग आगे का हुड पूरा गया हुआ है, जी ब्रो इसको तो रिपेयर सेंटर भेजना ही पड़ेगा, और मैं तो इसको भी रिपेयर सेंटर भेज रहा हूँ, नहीं सॉरी इसको टो ट्रक से भेज रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ पैदल भाई, मेरे पास पेशेंस नहीं है इतना कि जाऊँ मैं लेजिट बता रहा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है मेरे को ये करते करते चैलेंज, पता तुम्हें तो मतलब छोटा सा क्लिप दिख रहा है ना कट के, बट मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है यहाँ पे, लेट्स गो। लेकिन फाइनली हम लोग के पास सारी की सारी गाड़ियाँ आ चुकी हैं, मतलब सारी की सारी गाड़ियाँ हम लोगों ने ले ली है 5 की 5, बट एक लास्ट चीज़ जो कि मैं तुम लोगों से बताया, जापान का फ्लैग बनाएंगे हम लोग सारी टोयोटा से, तो जब तक ये वाली टोयोटा फिक्स हो रही है हम लोग एक काम करते हैं, हथौड़ा निकालते, कहाँ मेरा हथौड़ा, आ जा, ये ले, ये भी ले,
भाई इंजन बे में मारने से वैसे वो गिरा देते कभी कभार ये कुछ काम का सामान नहीं गिरा रहे। इंजन बे से हट के पीछे मारूं तो नहीं हो सकता है, इसने अपने डिक्की में छुपा के रखा हो सामान। नहीं अरे रेडिएटर मिला देखो, इंजन बे में मारने से रेडिएटर मिलता है भाई, एक्स्ट्रा $5। बस अब ये सारा कूड़ा मेरा। तो गाइज अपनी गाड़ी हो चुकी है एकदम चकाचक, जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठते हैं भाई। गॉड आई व्यू नहीं चाहिए यहाँ पे, घर के अंदर से गॉड आई व्यू से कैसे देखूंगा मैं। चलो फटाक से इसको यहाँ पे डालते हैं, ठीक है भैया इसको इतनी देर में क्लीन करते हैं। अब हम लोग लास्ट गाड़ी को लेके जाने वाले हैं जो कि है हमारी वाली सुपरा, जो मतलब हमारी वाली की ये भी हमने आज ही ली है। हमारी वाली सुपरा तो ऊपर है ये देखो ब्लू कलर में जो है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग पेंट कलर करवाने वाले हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने क्या करा था। देखो क्या हो रहा था, जब तुम बहुत ज़्यादा मेटालिक करवा दे रहे थे ना तो वो फिर बेसिकली वाइट की जगह लग रहा था। ये देखो घर के अंदर डालते ही वो मेटालिक करवाने से ना पूरा का पूरा देख रहा, पता नहीं कैसे घर के अंदर बादल दिख रहे हैं इसके अंदर, बट ठीक है कोई बात नहीं। बट वही वाली चीज़ है कि वो रिफ्लेक्टिव हो जा रही, क्रोम हो जा रहा है कलर बेसिकली। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको नीचे लेके आएंगे हम लोग और मेटालिक को 20 तक का लेके जाएंगे और इसको पॉलिश कर देंगे। कार का कलर तो परफेक्ट है एकदम, ठीक है ऑलरेडी वही वाइट है जो मुझे चाहिए था। तो अब हम लोग इसको लेके जाएंगे बाहर, ठीक है। एंड आई होप, अरे नहीं चाहिए भाई बर्ड आई व्यू यार। बस अब इसको ऐसी रिवर्स में करेक्ट विंडो के फ्रेम में बैठाना है हमने सेंटर में। एंड विद दैट गाइस चैलेंज इस, रुको एक मिनट बस इसमें मैं बढ़िया करके एक बार सफाई कर दूं सारी गाड़ियों की फिर बताता हूँ। एंड विद दैट गाइस द चैलेंज इज ओवर, हम लोगों के पास हो चुकी है 5 टोयोटा सुपरा MK5 और वो बना रही है भाई जैसे कि तुम लोग देख सकते हो जापान का फ्लैग। बेसिकली एक ट्राइंगल है वाइट कलर का, उसके बीच में एक रेड डॉट। अब वो तो हम लोग एग्जैक्टली नहीं बना सकते, हम लोगों को फिर नीचे एक पूरे 5 गाड़ियों की लेयर, ऊपर एक 5 गाड़ियों की लेयर लेटानी पड़ेगी। बट यस अभी के लिए हमारा जापान का फ्लैग पूरा कंप्लीट हो चुका है। देखो 4 टोयोटा सुपरा MK5 जो है वो बना रही है वाइट कलर, फिर बीच में एक रेड डॉट ये आ गया अपना। भाई कितना कूल लग रहा है ना, लेकिन ये डैम ब्रो, भाई मैं मजाक नहीं करूँगा, मेरे को एक बारी को हो गया था ये यार, इतना ज़्यादा टफ बना दिया ना इन लोगों ने। लाइक यार लिटरली ब्रो मैं ये नहीं कह रहा सुपरा बेकार है, भाई सुपरा बहुत क्रेजी कार है इस गेम के अंदर भी, बट यार सुपरा फिर भी बहुत ईजिली मिल जाती थी। ये मैं करके नहीं करा मैंने, बट यस सुपरा मतलब बेसिकली फिर भी थोड़ा सा इजीली मिल जाती थी। बट अभी देख रहे हो तुम लोग, हम लोगों को भाई कितना ज़्यादा टाइम लग गया सिर्फ और सिर्फ 5 सुपरास कलेक्ट करने में। लाइक नेबरहुड में आराम से मिल, नेबरहुड छोड़ो भाई मार्केट में गारंटीड हर बार एक ना एक सुपरा खड़ी होती थी। बट इस बार ही जो हालत टाइट करी ना भाई सुपरास ने हमारी, क्रेजी नेक्स्ट लेवल। बट फाइनली भाई हम लोगों ने अपना चैलेंज कंप्लीट कर दिया। तो जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक वाला बटन दबा देना, जो भी नया प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल जल्दी से, और यस बेल आइकन भी ऑल पे कर देना एंड 3 मिलियन करवा दो फटाफट, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।